Yes, हाँ। so तो like <laughs> like तो, well ज चल रही है जाके उसकी प्ले लिस्ट सलमान सर की अलग पूरी की प्ले है बॉटनी की मैम की पूरी प्ले लिस्ट स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है

तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है आपको ठीक है स्किप कोई सा भी पार्ट मत करना पूरी वीडियो ध्यान से एकदम समझ के देखिएगा और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना टू बी एलिजिबल फॉर नीट यूजी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दीज आर एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड वन टू सेवन तक का कोड है बहुत कंफ्यूजिंग है ध्यान से सुनना तो लेट्स गो हेड मैम तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले कोड के साथ बच्चों कोड वन गो हेड मैम ओके पेन प्लीज सो कोड वन गाइस बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है ये जो है मैक्सिमम जो फ्रेशर्स आई वुड से सिंप्लीफाई करके बोलू तो ये पढ़ने के पहले यस yes, इसको कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने के पहले सिंपल वर्ड्स में बोलू तो अगर आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में है

रिजल्ट रिजल्ट yani, अभी तक आया नहीं बात है सीबीएसई अभी -अभी तो वालों को तो बोर्ड्स अभी होगा राइट right? तो आपका रिजल्ट बाकी है फिर भी नीट आपको चांस देता है कि एन आपको चांस देता है कि आप नीट दे सकते हो इवन तो आपका रिजल्ट नहीं आया बट आपका रिजल्ट होना बहुत जरूरी है

आपने ट्वेल्थ पास की है ठीक है ओके टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स कैंडिडेट्स हुर अपियोरिंग आपके सब्जेक्ट्स कौन होन से होने चाहिए पीसीबी कॉमन सेंस की बात है आप नीट के लिए जा रहे PC, हो पीसीबी पीसीएमबी भी होगा तो भी चलेगा कुछ हुँ. भी चलेगा बट पीसीबी ये होना चाहिए विद इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश से पेपर दे रहे हो तो ठीक है ओके एज वेल एज अगर आप देखो अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है मैथ्स चलेगा आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस चलेगा आपने एडिशनल सब्जेक्ट कॉमर्स ले रखा है चलेगा

आप देने वाले हो नीट आप फॉर्म भर सकते हो चुपचाप कोड वन भर देना कुछ नहीं मतलब कोई तो से नहीं। भी अगर आप बोर्ड में बिलोंग करते हो सीबीएसई बोर्ड पे बिलोंग करते हो आईसीसी बोर्ड पे बिलोंग करते हो स्टेट बोर्ड पे बिलोंग करते हो आपको अगर आपने अगर हम समराइज करें अगर आप क्लास ट्वेल्थ पहन दीजिएगा अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो अभी आपने जस्ट पास किया है आपको ये कोड भरना है बस सिंपल एज दैट आप चाहे सीबीएसई से पढ़ो चाहे आप आईसीएस से पढ़ो चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से पढ़ रहे हो मतलब आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो झारखंड बोर्ड से पढ़ रहे हो आसाम बोर्ड से पढ़ रहे हो महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे हो आपको कोड वन अगर आपने क्लास ट्वेल्थ जस्ट अपियर किया है या जस्ट पास किया है आपको यही कोड भरना है ठीक है तो चल, तो चलते हैं अपने कोड टू की तरफ लेट्स गो अहेड फॉर कोड टू तो कोड टू बच्चों ये एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कोड है और सबसे मैं कहूंगा सबसे ज्यादा सेफ कोड है ठीक है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफ कोड सेफ क्यू क्योंकि इसके ऊपर चल रहा है कोर्ट केस ठीक है तो बेसिकली अगर हम बात करें द कैंडिडेट क्लास ट्वेल्थ फ्रॉम ओपन स्कूल और एज एज प्राइवेट कैंडिडेट शुड नॉट बी एलिजिबल यहां पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर नीट एग्जाम ठीक है वो किसी भी तरीके से नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है एज वेल एज अगर आपने एडिशनल बायो या बायोटेक सब्जेक्ट ले रखा है तो भी आप एडिशन आप एलिजिबल नहीं लेकिन इसके ऊपर कोर्ट में एक पिटिशन डली हुई है ठीक है कोर्ट केस हो रखा है इस पॉइंट के ऊपर तो आपको वरी नहीं करना है इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कोड नाउ ठीक है तो अगर आप ओपन स्कूल से हो तो भी आप भर सकते हो कोई प्राइवेट प्राइवेट बोर्ड से पढ़ रहे हो आप भर सकते हो अगर आपने पीसीएम ले रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज अ कोर सब्जेक्ट ले रखा है लेकिन आपने बायोलॉजी एंड बायोटेक को क्या कर रखा है एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा तब भी आप इस कोड को फिल कर सकते हो ठीक है तो सबसे ज्यादा सेफ कोड यही कोड है तो कुछ ना समझ में आए क्या करना है मैम कोड टू बट ये किसके लिए है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इज फॉर पीपल जिन्होंने गैप ले लिया गैप ले लिया बीएससी कर रहे हैं बीएचएमएस कर रहे हैं बीएमएस कर रहे हैं तो कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है सिर्फ ट्वेल्थ को हटा के अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कोड टू भर देना है आपको तो आपको इसके स्टेटमेंट से नहीं डरना है क्योंकि यहां पे साफ साफ कोर्ट की वोडिक टली हुई है कि यहां पे 2019 में इसके ऊपर पिटिशन दर्ज कर दी गई है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेफ कोड ठीक है मैम तो चलते हैं बच्चों कोड थ्री की तरफ Okay. So, 3 में क्या है कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनको ड्रॉप नहीं लेना है मतलब अपना साल बर्बाद नहीं, नहीं कर बेसिकली ये कर्नाटका yes. बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हो गए जैसे की उनके पास होता है उनके क्लास ट्वेल्थ को ही वो कॉलेज लेके चलते हैं। हाँ.

तो लेट्स गो हेड फॉर कोड फोर नाउ कोड फोर तो कोर्ट फोर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे द प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट हैं तो इसमें बेसिकली अगर आप बीएससी दे रहे हैं ठीक है बीएससी दे रहे हैं आप तो आप ये भर सकते हैं ठीक है आप बीएससी में अगर आपने कोर सब्जेक्ट अपने नीट वाले लिए हैं कोई सभी कोई से भी दो सब्जेक्ट आपके क्या है ट के कोर्स सब्जेक्ट होने चाहिए तो लेट सपोज आप कर रहे हो बॉटनी से ऑनर्स आप जोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो फिजिक्स कर रहे हो केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो और आप फर्स्ट ईयर में हो बी एस सी के तब आपको यह कोर्ट भरना है ठीक है द प्री प्रोफेशनल ऑफ द प्री मेडिकल एक्सामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक एंड इंग्लिश आफ्टर पासिंग द हायर सेकेंडरी स्कूल द प्रोफेशनल प्री मेडिकल शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट ठीक है उसके अंदर में यह होना बहुत जरूरी है तो वो बच्चे आपको क्या करना है कोर्ट फोर नहीं समझ में आ रहा है कोड टू ठीक है कुछ भी ना समझ में आपको क्या करना है कोड टू पे जाना है तो लेट्स गो हेड फॉर कोड फाइव मैम मैम सो दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द थ्री डिग्री आई मीन वही जो अभी सर बोल रहे थे बी एस सी वाला कोर्स जो तीन साल का जो कोर्स होता है आपका यस ग्रेजुएशन वाला कोर्स तो वो तीन साल के जो कोर्सेज है उसमें अगर आप फर्स्ट ईयर में है येस yes, तो फिर आज जिसका सब्जेक्ट क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी जैसे बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी अगर कोई बच्चा कर रहा है यस yes, तो वो सारे बच्चे जो हैं जो फर्स्ट ईयर में है अभी जो जिनको ड्रॉप नहीं लेना था अपना ईयर बर्बाद नहीं करना था आपने एडमिशन ले लिया है बट hmm. फिर भी यू वॉन्ट टू अटेम्प फॉर नीट यू कैन पुट द कोड फाइव यू कैन गो फॉर इट यू कैन स्टिल अटेम्प्ट फॉर द नीट एग्जामिनेशन ठीक है बट पॉइंट ये है कि अगर आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो मेक श्योर sure कि आपके ग्रेजुएशन में ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए अलॉन्ग विद योर प्रैक्टिकल नॉलेज क्लियर लेट्स गो फॉर कोड फाइव सिक्स ना तो इसमें अगर ये उनके लिए है कोर्ड सिक्स उन बच्चों के लिए है जो लोग अपने बी फाइनल ईयर में ठीक है बी फाइनल ईयर में है। बच्चे या तो फिर आप क्या कर चुके हो पास कर चुके हो ये कोड उनके लिए भरना है सिंपल एज दैट ठीक है अगर आपने बीएससी पास कर लिया है या आपने कोई ग्रेजुएशन पास कर लिया है तब आपको ये कोड डालना तो बेसिकली ये कोड अभी हम बीएससी बीएचएमएस एच वालों के लिए बात कर रहे हैं तो ये कोड वो आराम से इसमें जा सकते हैं अगर तब भी कंफ्यूजन आए तो क्या करना है मैम कोड टू कुछ भी हो कोड टू पे अपने आप को रिलाय कर सकते हैं हम लोग लेकिन अगर आप बी एस सी फाइनल ईयर में तब यू कैन गो अहेड फॉर कोड सिक्स चलते हैं है मैम अपने आखिरी कोड कोड सेवन की तरफ अब सो कोर्स सेवन इज बेसिकली वो बच्चों के लिए है जो बेसिकली आपके एनी अदर एग्जामिनेशन यस, विच इज़ इन स्कोप एंड स्टैंडर्ड लास्ट टू ईयर्स ऑफ टेन प्लस ट्वेल्व प्लस टू स्टडी कंप्राइज़ ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विच शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल अब ये पॉइंट कॉमन रहेगा ये होने चाहिए इंटरमीडिएट Science examination of an Indian University board. Same point है सबके इसमें बट ये स्पेशली बच्चों के लिए है जो जो कि कि में आते हैं तो so, वो कर दीजिए तो बस यही थे आपके सातों के सातों ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट योर सेवन कोड नाउ अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो लेट सपोज आपके पास ये हो सकता है कि मैंने सर, मैंने बीटेक ज्वाइन किया आपने तो बीटेक के बारे में बताया नहीं कौन सा कोड कोड टू आप अगर बी हो कौन सा कोड लगाना है कोड थ्री या कोड टू में से कोई एक कोड लगा दो ठीक है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है सबसे ज्यादा सेफ कोड अभी आपका कोड टू चल रहा है तो कोड टू में कुछ भी कंफ्यूजन हो डाल दो नहीं तो कमेंट सेगमेंट में डाल दो ठीक yes. है कमेंट सेक्मेंट में हम जरूर जरूर आपका रिप्लाई करेंगे मेक श्योर sure जो बच्चे गैप ले रहे हैं एक साल का हो दो hmm. साल का हो जो भी गैप ले रहे हो मेक श्योर योर होट प्रिपेयर गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी आपको तो अभी से किसी को घर वालों को बोल दो अभी आप तैयारी करें एग्जाम की किसी घर वालों को बोल दो दे विल गेट अ गैप सर्टिफिकेट मेड फॉर यू ठीक है वो आराम से आपको मिल जाएगा एज वेल एज आपको नीट की तैयारी करनी है अच्छे से

मैम का को कोई टॉपिक सपोज मैम का किडनी है ठीक <laughs> है अगर वो वीक है तो आप उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हो ठीक है yes. आप अपनी पूरी जर्नी डिस्क्राइब कर सकते हो यहां पे जिसके आपका नीट पेपर ऐसे निकलेगा ठीक है मैम टेलीग्राम ग्रुप आ गया हमारा टेलीग्राम ग्रुप प्लीज फॉलो द टेलीग्राम चैनल बिकॉज लेट दैट बी ऑर फिजिक्स गैम जूलॉजी बॉटनी जितने भी अपडेट्स हैं सारे एजुकेटर्स के लेक्चर के एवरी थिंग यू विल गेटिंग ओवर हियर ये विल बी दिस इज द ओनली चैनल वेर यू कैन गेट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एजुकेटर्स सारे पोस्टिंग्स होते हैं नाव डेज चैट से आर ऑल्सो ओपन सो यू कैन कम्युनिकेट ओवर दर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव डाउट पोस्टेड ओवर दर येस एंड प्लस पोल्स भी चल रहे हैं यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है एवरी सिंगल डे जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी शेयर किए जा रहे हैं सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस तो चलो बच्चों आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट नीचे कमेंट सेगमेंट लाइक कर दिया होगा अब तक ना सब्सक्राइब कर देना आप लोग चलो बच्चों आज की आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं मैं हूं आपका बॉटनी एजुकेटर सलमान अमर खान माई सेल्फ काजल सिंह योर जुलॉजी एजुकेटर अंटिल एंड इन बाय कीप इन बाय बाय कीप इन बाय We believe in you.